मैं इसको स्किप करता हूँ तो देखिए इस तरह का एक मैसेज आता है, और जैसे ही मैं इसको वापस करता हूँ तो वापस स्किप पे आ जाता है, मतलब ये इसके आगे बढ़ नहीं रहा है। तो देखा जाए तो इसमें FRP लगा हो, अगर वो कनेक्ट ना कर रहा हो, सपोज अगर वो टोटली डेड हो जाए, कनेक्ट का मतलब वो किसी प्रकार का मोड नहीं दिखा रहा हो, तो सो कैसे बिना फास्टबूट मोड पे लाए हम इसको ऑन करेंगे सेट को। ये जो हॉनर का टेस्ट पॉइंट है इसको आपको ग्राउंड के साथ में टच करना पड़ेगा ताकि ये बूट करें। तो बहुत आसान है, इजीली है, आपको यहाँ पर CPU के पास में काम नहीं करना है, आपको EMMC के पास काम नहीं करना है, आपको ये सील्ड कवर नहीं खोलनी है, तो कोई रिस्क नहीं है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने एक जम्पर निकाल के रखा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे नॉर्मल हम बूट करते हैं तो इसको मैं बूट कराऊँगा और अनलॉक अकाउंट पर जाऊँगा और अनलॉक FRP करूँगा अब और स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर, सो ये यहाँ पर मेरा ओके हो चुका है, ये मेरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। दोस्तों मैं सच बताऊँ मैंने ना बूट लोडर अनलॉक किया। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो एसर टेलीकॉम आपका चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको एक खास वीडियो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा एक हॉनर का FRP हम निकालेंगे, पर वो तरीके से नहीं जिस तरीके से बहुत सारे YouTube चैनल में बताया जा रहा है। मैं आपको इसका FRP निकालूंगा इसके सही तरीके से विदाउट बूट लोडर अनलॉक करके। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि लोग हॉनर का काम करने से डर रहे हैं बहुत सारे, और जनरली उनका काम नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है उनको। सो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मेरे सेट में FRP लगी हुई है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लैंग्वेज, ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें देखिए मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है, नेक्स्ट स्किप करता हूँ मैं यहाँ से, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और स्किप करने के बाद मैं एग्री करता हूँ नेक्स्ट, और पहले मैं इसकी FRP देखिए ये स्किप ऑप्शन में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको स्किप करता हूँ तो देखिए इस तरह का एक मैसेज आता है, और जैसे ही मैं इसको वापस करता हूँ तो वापस स्किप पे आ जाता है, मतलब ये इसके आगे बढ़ नहीं रहा है। तो देखा जाए तो इसमें FRP लगा हुआ है। ये हॉनर का लाइट 9 लाइट और लेटेस्ट पैच के साथ है, अपडेटेड मोबाइल है, तो उसको कैसे FRP करें। बहुत सारे लोग MRT से काम कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, और सही भी है और जेन्युइन भी है, तो मैं भी वही तरीका यूज़ करता हूं। सबसे पहले मैं इसको बूट लोडर से अनलॉक करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं MRT का जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूं वो 3.21 है अभी का जो लेटेस्ट है MRT का, क्रैक वर्जन यूज़ नहीं कर रहा। और इसको मैं बूट लोडर अनलॉक करके मैं कोशिश करता हूं कि इसका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा तो एक अच्छा काम हो जाएगा, टेम्परेरी अनलॉक हो जाए तो हम इसका FRP निकाल सकते हैं। बट दोस्तों क्या रीज़न है कि FRP नहीं कर पा रहे हैं, और मैं आपको सच बताऊं बूट लोडर अनलॉक हो भी जाते हैं बट एक रिक्स के साथ। अगर आपको मैं सही तरीके से फ्लैशिंग का तरीका बताऊं, हम हॉनर में बूट लोडर को अनलॉक करने का एक रिक्स उठाते हैं जिसमें ये डैड बूट में चला जाता है, मतलब ये एक तरह से डैड हो जाता है। अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो आप इसको फ्लैश कर, अगर ये कनेक्ट कर रहा है तो आपको इसको फ्लैश करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हॉनर की फ्लैशिंग फास्ट बूट मोड पे आप कर सकते हैं, बट तब जब बूट लोडर अनलॉक हो, या तो आप SD कार्ड डाल के उसको फ्लैशिंग करते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर की, या तो फिर उसको फास्ट बूट, या तो उसको रिकवरी मोड पे ले जाकर उसको हम SD कार्ड डाल के कर सकते हैं, या तो ऑन करके भी हम उसको एक सीक्रेट कोड के द्वारा उसको फ्लैश कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ तो है इसमें, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका फ़ोन टोटली डेड हो जाए, अगर वो कनेक्ट ना कर रहा हो, सपोज अगर वो टोटली डेड हो जाए, कनेक्ट का मतलब वो किसी प्रकार का मोड नहीं दिखा रहा हो, तो उसको कैसे हम उसको फास्ट बूट मोड पे, सो कैसे बिना फास्ट बूट मोड पे लाए हम इसको ऑन करेंगे सेट को। सो ये तरीका आज मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा, ये बेसिकली मैं अपनी क्लास में दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो अभी हम इस फोन को फास्ट बूट मोड में डालते हैं और इसको इसका बूट लोडर अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। दोस्तों मैंने बहुत ट्राई किया इसको MRT से, और जैसे कि YouTube में दिखा रहे बहुत सारे लोग, सो वैसा भी ट्राई किया, ये वाला फ़ोन बूट लोडर अनलॉक तो हो जाता है टेम्प्री, बट फेल्ड आ जाता है, और जनरली यही चीज़ हो रही है, इसकी FRP नहीं जा रही है। अभी बाईपास करने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्यों पर MRT अगर आपके पास में या तो MRT या तो मिरिकल है तो आप हॉनर का USB 1.0 कॉम पोर्ट बनाकर आप इसकी FRP भी कर सकते हो, आप इसको फ्लैश कर सकते हो, और विदाउट दैट ट्रिक्स, मतलब आप समझ रहे हैं,
क्योंकि उधर कोई भी फाइल अगर मैं चढ़ाता हूँ तो वो लेता ही नहीं है जब तक कि वो सही फाइल नहीं होती है। सो पहली बात तो डैट ट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि बूट लोडर को अनलॉक करके अगर मैं कोई फाइल देता हूँ अगर वो गलत हुई सो ये फोन डैड हो जाएगा। बट अगर मैं यूएसबी 1.0 कॉम की बात करूँ तो ये डैड नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पर वो देने के लिए टेस्ट पॉइंट देना पड़ेगा, आपको पीछे टेस्ट पॉइंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ और मैं यूज करूंगा एमआरटी का टूल। तो एमआरटी के टूल में मैं टेस्ट पॉइंट देके इसको यूएसबी 1.0 कॉम पोर्ट बनाऊंगा। पर दोस्तों ये बात आने के का ये जो टूल है ये फ्री नहीं होते हैं, आपको आपके पास या तो एमआरटी है या आपको आपके पास मेडिकल है तो आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा हुवावे और हॉनर का। ये सिर्फ वही लोग कराइए जिनके पास में ये सेट आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेट आपके पास में वीकली आ रहा है या मंथली आ रहा है सो आप मत कराइए, आप किसी और के पास जाइए और ये सेट को करवा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, उसमें पैसे भी मिल जाएंगे कुछ। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में हॉनर हुवावे के सेट आ रहे हैं, तीन दिन में, दो दिन में, एक दो आ जाते हैं, सो मुझे लगता है ये टूल जरूर एक्टिवेट कराइए। ये 900 रुपये का एक टूल है एमआरटी में, जिसको एक्टिवेट कैसे करेंगे कहाँ करेंगे तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो आपके एमआरटी को एक्टिवेट कर देंगे और आपका हॉनर का या फिर आपके मेडिकल को भी एक्टिवेट कर देंगे और आपके हॉनर के अंदर आपका हॉनर का आप काम कर सकते हैं सही तरीके से विदाउट डैट रिक्स। कोई बूट लोड अनलॉक करने की जरूरत नहीं है और इस फोन को आप एफआरबी भी निकाल लोगे, फ्लैशिंग भी कर लोगे। चलिए देखते हैं, आते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों मेरे पास में ये फोन आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए स्किप का बटन कर रहा हूँ तो ये स्किप नहीं हो रहा है और वापस ये आ जा रही है चीज़ें। तो अभी हम इस सेट को बंद करते हैं और हम इस सेट को बंद करते हैं और इस सेट को बंद करके इसको हम फास्ट बूट मोड पर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फास्ट बूट मोड का ही तरीका दिखा देता हूं, क्योंकि नहीं तो बाद में कमेंट आने लगेंगे कि भैया हमारा तो हो रहा है। इसलिए इससे अच्छा यही है कि एक करके दिखा दिया जाए। सो अभी फास्ट बूट मोड पर कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम डाउन को दबाए रखना पड़ेगा और वॉल्यूम डाउन को मैं दबाऊंगा और केबल लगा दूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड पे ना आ जाए। तो देखिए ये मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड पे आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा जो यहाँ पर ड्राइवर है वो भी कनेक्ट हो गया, नहीं तो बाद में कमेंट में लोग ये भी बोलेंगे कि आपका ड्राइवर ही अपडेट नहीं होगा इसीलिए वहाँ से नहीं हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो ये सारी चीज़ें खैर मैं इन सबको इग्नोर करता हूँ। और तो यहाँ पर ये मेरा ड्राइवर भी एंड्रॉयड के ले लिया है इसने, और क्योंकि ये एक्चुअली एंड्रॉयड का मोड ही होता है फास्ट बूट, है ना, दो मोड होते हैं ईडीबी और एक फास्ट बूट, तो ये वन ऑफ फास्ट बूट मोड है और मेरे यहाँ पर ये भी सही है। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर मेरे को कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो फास्ट बूट मोड पर है जो हमें दिखाई देता है कि वो रुक रहा है या उसका ड्राइवर अपडेट नहीं है। अब मेरे सामने है एमआरटी का 3.21, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और जैसे कि देख रहे होंगे अब मेरे पास में नेट भी अपडेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेट नहीं है, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे कि नेट नहीं होगा या जो भी है। सो इससे सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ पे अब मैं देखिए हुवावे टूल में मैं प्रेस करता हूँ और ये मेरे पास में हुवावे का अनलॉक टूल में मैं क्लिक करता हूँ। सो जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल तरीका है, जो सारी चीज़ें बताई गई हैं और मैं नहीं बोलता कि वो नहीं हो रही हैं, हो रही होंगी, पर मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप रिक्स में मत काम कीजिए, क्योंकि बूट लोडर को अनलॉक करते समय या हम बात करें बूट लोडर अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप फ्लैश ही नहीं कर पाएंगे, एसडी कार्ड से फ्लैश कर रहे हैं, फास्ट बूट में फ्लैश करते हैं, आप देखेंगे कि जब तक आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो फ्लैश ही नहीं होता है। और एक रिक्स होती है बूट लोडर को, अगर अनलॉक भी कर लिया और अगर मान लो गलत फाइल डाली तो वो आपका लेगा नहीं, अगर आप मेडिकल से कर रहे हो तो वो डेड कर देगा। पर एमआरटी एक अच्छी चीज़ है, एमआरटी से आप करते हो तो एमआरटी फेल्ड कर देता है। तो जनरली अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं एफआरपी रिमूव में टिक करता हूँ और मैं पहले टेम्प्री बूट लोडर अनलॉक भी कर सकता हूँ पर मैं एफआरपी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी के जो ये अपना वर्जन जो चल रहा है ये अपना लेटेस्ट वर्जन है एमआरटी का, उसमें रिमूव एफआरपी लॉक में जैसे मैं टिक करूंगा तो ये पहले बूट लोडर को ही अनलॉक करेगा और टेम्प्री अनलॉक करेगा और उसके बाद में इसके एफआरपी को रिमूव करेगा। तो चलिए मैं ये दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। मेरा यहाँ पर फ़ोन कनेक्टेड है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लॉक लगा होगा तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ़ोन लॉक लगा हुआ है और एफआरपी लॉक लगा हुआ है। सो अभी हम इसको यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाएंगे, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे आप जैसे देखे टेम्परी बूट लोडर फंक्शन दिख रहा होगा यहाँ पर और ये यहाँ पर सक्सेस भी हो जाता है, रिबूटिंग मोबाइल हो जाता है और बट यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फील्ड आ रहा है।
और फील्ड आने की वजह से, और मैंने कई वीडियो भी देखे हैं जनरली लोग यहाँ पे करके दिखा रहे हैं पर फील्ड आने की वजह से वो FRP हो नहीं रहे, पता नहीं लोग उसके बाद में कैसे किस तरीके से निकाल देते हैं, या तो वो वीडियो ही गलत है या तो जो भी है मुझे नहीं पता। बट मैं यहाँ पे बता दूँ तो लॉग स्टेटस अभी भी देखिए यहाँ पे लॉक आ रहा है और ट्राइंग फर्स्ट वे टू गेट द अनलॉक कोड, उन्होंने बोला है पहले अनलॉक कोड निकाल लीजिए और उसके बाद में आप इसको पहना मतलब सबसे पहले इसको अनलॉक कीजिए। सो देखिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि बूट लोडर टेम्परी रूप से अनलॉक डन, मतलब बूट लोडर अनलॉक हो गया था, क्योंकि नहीं तो बाद में ये भी होगा कि ये आएगा कि टेम्परी अनलॉक बूट लोडर को टिक करके पहले करते और फिर FRP करते। बात एक ही है, मैंने पहले ही बोला था कि बूट लोडर टेम्परी अनलॉक डन यहाँ पे दिखा रहा है और क्लियर FRP डन के बाद में फेल्ड आ गया है। यहाँ अगर फेल्ड नहीं आता तो ये डन हो जाता और इसकी FRP निकल जाती। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि FRP निकलती है कि नहीं निकलती है। मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, स्किप पर जाता हूँ, एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ, एग्री करता हूँ, नेक्स्ट और वापस ये स्किप पे आ जाता है और स्किप पर जब टिक करता हूँ तो देखिए वापस वही चीज़ आ रही है, स्किप नहीं हट रहा है। सो ये अब मेरी FRP नहीं जा रही है। सो जितना भी प्रयास कर लो आप अनलॉक बूट लोडर, और मैं आपको बोलता हूँ निकल भी गई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो में एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से अभी तक YouTube में मुझे नहीं लगता कोई वीडियो बनाया होगा, बनाया भी होगा तो एक्सप्लेन नहीं किया होगा। सो चलिए इसको सही तरीके से करते हैं, उसके लिए मैं आपको टूल बताता हूँ। सो टूल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए तो ये टूल आपको यूज़ नहीं करना है, और जो आपको टूल यूज़ करना है, अगर मैं यहाँ पे टूल दिखा देता हूँ, सो जो टूल आपको यूज़ करना है वो टूल यूज़ करना है MRT हार्डवेयर, MRT हुबाबे का फ्लैशर टू यूज़ करना है। सो ये जो टूल है तो बड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका एक्टिवेशन कराना पड़ता है, बेस्ट है मेरे हिसाब से करवाइए अगर आपके पास में हुबाबे और ओनर का काम आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आप Xiaomi को करते हैं ईडियल पॉइंट पे वैसे ही आपको ये करना पड़ेगा। देखिए ये टूल आ चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले USB COM 10 मेरा एक्टिवेट है इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट का कोई साइन नहीं आ रहा है। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट डिस फंक्शन ही होगा और वहाँ पे आपको एक की देनी होगी जो कि आपको पहले इसको एक्टिवेट कराना होगा। मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से एक्टिवेट करा लेना। तो ये टूल बेसिकली आपको एक्टिवेट कराना होगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से अनलॉक अकाउंट FRP कर सकता हूँ विदाउट बूट लोडर, तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये बूट लोडर, मैं ये बूट लोडर से लॉक हो या ना हो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं इसको यहाँ से करता हूँ और यहाँ से हम इसको फ्लैश भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से और बहुत आसान है। और मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ से फ्लैश करते हैं और गलत फाइल लेते हैं तो भी यह फ्लैश करेगा नहीं, जो सही फाइल होगी उसी को फ्लैश करेगा, ये डेड ब्रिक्स बचाता है दोस्तों MRT। अगर आप यही चीज़ मेडिकल से करते हैं तो वहाँ पर डेड ब्रिक्स बढ़ जाएगा और वहाँ पर डेड होने का चांस हो सकता है, तो MRT मेरे हिसाब से बेस्ट है इसके हिसाब से। तो चलिए ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका CPU टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है और जैसे कि मुझे पता है कि इसका जो CPU है, इसका CPU जो भी मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इसके अकॉर्डिंग इसका CPU होगा। तो चलिए इसका CPU पता करते हैं और इसका CPU पता करके यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। उसके साथ में पहले इसका हम USB पोर्ट बनाएंगे 1.0 और जो कि पोर्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देना चाहिए आपके पोर्ट में अंदर, और यहाँ पे USB पोर्ट बनना चाहिए 1.0। अब जब USB पोर्ट 1.0 पोर्ट बन जाएगा सो इसके बाद हमें यहाँ पर स्टार्ट का बटन देना है और उसके बाद हम फिर अनलॉक पर अनलॉक FRP करेंगे। सो ये एक तरह से एक EDL मोड पे चले जाएगा, जिस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज अ एग्जाम्पल फॉर EDL मोड, सो ये इसके बूट मोड पे चला जाएगा और बूट मोड से हम इसका FRP आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। सो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको फ़ोन को खोलना पड़ेगा और इसका टेस्ट पॉइंट देना पड़ेगा। ये जो होनर का टेस्ट पॉइंट है इसको आपको ग्राउंड के साइड में टच करना पड़ेगा ताकि ये बूट करें। तो बहुत आसान है, ईजिली है, आपको यहाँ पर CPU के पास में काम नहीं करना है, आपको EMMC के पास काम नहीं करना है, आपको ये सील्ड कवर नहीं खोलनी है, तो कोई रिस्क नहीं है। आपको बैक कवर खोलना है और जैसे हम Xiaomi में करते हैं वैसे ही यहाँ पे करना है ताकि ये हमारा पोर्ट बनाए। तो चलिए इसको करते हैं परफॉर्म और देखते हैं वीडियो को आगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इससे मिलेगी आपको जानकारी और जानकारी होती है तो ये फ़ायदा करता है, क्योंकि हम बिज़नेस में हैं मोबाइल रिपेयरिंग के और अगर अच्छी जानकारी के साथ अच्छा बिज़नेस कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इस फोन को कर देते हैं बंद और मैंने इसको ऑलरेडी पीछे से खोल के रखा हुआ है, तो मैं इसका एक जंपर उठा लेता हूँ यहाँ से। तो जनरली देखिए दोस्तों मैंने इसमें एक जंपर लगा लिया है
तो चलिए अब हम जंपर के साथ में इसको परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे मैंने एक जंपर निकाल के रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे नॉर्मल हम बूट करते हैं तो इसको मैं बूट कराऊँगा। सो मैं यहाँ पर इस जंपर को ग्राउंड के साथ मैं टच करूँगा, देखिए इस तरीके से, और केबल लगाऊंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्राइवर, आप नोटिस कीजिए यहाँ पर ड्राइवर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ये जो आपको पोर्ट बनना हो दिख रहा होगा, देखो पोर्ट में अभी स्टैंडर्ड पोर्ट बन रहा है, यहाँ पर कुछ भी हुआपे का पोर्ट नहीं बन रहा है। सो इसको मैं केबल लगाता हूँ और ये इसको हटा देता हूँ। देखिए आप मेरे पोर्ट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हुबाबे का पोर्ट बनेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हुबाबे यूएसबी का पोर्ट बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टूल पे जाऊँगा और टूल पे जाने के बाद अपना यहाँ पर सीपीयू टाइप नंबर लेकर स्टार्ट का बटन दूंगा और यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए बूट राइट वन बूट टू, और यहाँ पर वन के बाद कभी कभी टू दिखा देता है पर कभी कभी डायरेक्ट थ्री पे आ जाता है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे ड्राइवर चेंज कर देगा। सो पहले मैं इसको कनेक्ट, पहले इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, पहले ये हो जाने देते हैं। ये देखिए हो चुके हैं। अब आप थोड़ा यहाँ पे नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो जाएंगे और ये ड्राइवर यहाँ से हट के ऊपर एंड्रॉयड पे चले जाएंगे। तो उसके बाद आप इसका एफआरपी या जो भी है, देखिए यहाँ पे ड्राइवर बन गए हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। सो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर आपको बन गया है एंड्रॉयड का। अब वापस मैं इस टूल पे जाऊँगा और अनलॉक अकाउंट पे जाऊँगा और अनलॉक एफआरपी करूँगा अब, और स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मेरा ओके हो चुका है। बूट लोडर द डिवाइस विल रिबूट एंड डू फैक्ट्री सेट। तो यहाँ पर मेरा रिबूटिंग मोबाइल हो चुका है, मतलब यहाँ पर मेरा फ़ोन का जो एफआरपी है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। सो अगर मैं इसको देखता हूँ कि मेरा एफआरपी निकला है कि नहीं निकला है, तो मैं इसको आपके सामने ही इसको रन कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल मेरी बैटरी निकली हुई है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये जो मेरा जंपर है मैं जंपर निकाल देता हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी बैटरी को लगा देता हूँ सेफली। सो देखिए ये मेरी बैटरी लग गई है। अब मैं इस फ़ोन को ऑन करूँगा और इसका एफआरपी देखूँगा। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, आप इसे जब एक बार पोर्ट बन जाता है आपका हुबाबे का, तो आप इसे राइट फ्लैश कर सकते हैं, बहुत ईजिली राइट फ्लैश कर सकते हैं। आप कोई भी फ़ोन को, आप डेड फ़ोन हो जो ऑन नहीं हो रहा हो, जो स्क्रीन पे नहीं आ रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हुबाबे का फास्टबूट से फ्लैश करते हैं, फास्टबूट पे नहीं आया तो क्या करेंगे, आप ये सोचिए ना। तो कैसे इसको फ्लैश करें, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको पढ़ने आना है, आपको लगे कि अच्छा वीडियो बनाया है एशिया टेलीकॉम की तरफ से, एक आपको अच्छा वीडियो मिले, तो उसको शेयर कीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिले तो औरों को भी जानकारी मिले। और अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल समझनी है, करनी है, तो आप आइए मेरे पास, सॉफ्टवेयर की क्लास अटेंड कीजिए। हर महीने की 13 तारीख की यहाँ पे क्लास मिलेगी और बेहतर तरीके से सीखिए। मेरे यहाँ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की क्लास नहीं होती है। मेरे यहाँ जो सुबेरे 11 बजे से शाम से 7-8 बजे तक क्लास चलती है, कंटिन्यू क्लास चलती है। मेरे यहाँ आप समझिए कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं देते हैं हम, और 10 मिनट का ब्रेक देते हैं बीच में खाली। तो और ये भी नहीं है कि घुसा कर समझाते हैं, और जितना होता है मैं उतना रिवीजन करवाता हूँ, जितना होता है मैं रात में अलग से 3 घंटे की क्लास देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसे टेलीकॉम में मिलेगा। सो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अगर आपको हमारे पास आना है तो आ सकते हैं, फीस हमारी नीचे लिंक में मिल जाएगी, नंबर आपको मिल जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं। दिन में 1 और 3 के बीच में कॉल कर लें, शाम को कॉल कर लीजिए, आपको जब इच्छा है तब कॉल कर लीजिए। अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो आप SMS कर दीजिए, जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इंडिया और देश विदेश से बच्चे आते हैं। अभी मेरे पास में लंदन से बैठा हुआ है, इससे पहले स्पेन से आए थे, बस तो अलग अलग कंट्री से आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उन पर स्पेसिफाई वीडियो नहीं बनाता, मन तो करता है कि कभी उनको सामने रख के स्पेसिफाई वीडियो बनाऊँ, बताऊँ कि देखो मेरे पास कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन आउटपुट आप लोग हैं। आप लोग जब आओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो लोग कहते हैं कि इंडिया का नंबर वन, वो वाकई में है। सो ये दिल से निकलना चाहिए, और आप जब आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों की सीट नहीं मिल पा रही है, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं जिनको हो, और जो सीट कैंसिल कर दे रहे हैं, तो वो लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ उन लोगों की बात,
क्योंकि होता है क्या है कि वो कॉल करते हैं और किसी महीने की आप सपोज सीट बुक कराते हैं हमारी, और उसके बाद में हम वो सीट आपको दे देते हैं, फिर आप समझिए कि वो सीट हम किसी को नहीं देते, और फिर आप एंड टाइम पे कहते हैं कि नहीं सर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए। तो हमारा ये सीट का नुकसान नहीं होता दोस्तों, उसमें कोई हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान दूसरे बंदे का होता है जो बेचारा उस सीट को नहीं पा पाता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर मैं खड़े रह लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, पर आप मुझे प्लीज़ पढ़ा दो। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो इस वजह से हम जो सीट कैंसिल करते हैं उनको दूसरी बार एडमिशन नहीं देते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि इस बार अगर कैंसिल किए है, हो सकता है मन में शंका हो नहीं कहीं और, तो कोई बात नहीं है, हो भी सकता है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो, तो दूसरी बार अगर उनको सीट दें उन्हें फिर से कैंसिल की, तो ये एक नुकसान है जो कि अच्छी बात नहीं है कि ये किसी कोई स्टूडेंट को दूसरा या तीसरा इसको भरे। तो यही है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अगर बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, कमेंट करते हैं, मैं प्यार से उनको समझा, मैं ये समझता हूँ कि मैं उसको प्यार से समझाऊंगा तो वो हो सकता है समझ जाए, और अगर वो मेरे से बोलें और वादा करें और मेरे को प्रॉपर मैसेज करें कि नहीं सर हम इस बार आ ही जाएंगे, तो मैं उनको सीट दे भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों बहुत से लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर हमारा कॉल नहीं उठाया जाता है, हमारा ये नहीं होता। दोस्तों मैं सच बताऊँ, अगर यही करना होता तो मैं 10 टीम बिठा देता और दिन रात कॉल बिठाते, मैं 10-15 टीचर रख देता और ये सब करता, पर ये सब करना होता तो शायद आपको इतना अच्छा जो ट्रिकें और ये जो दी जा रही हैं वो हमारे जो इंस्टीट्यूट का ऑपरेट है वो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलता। चलिए तो यहाँ पे मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है, मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे को स्किप का बटन आया है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एग्री कर रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एग्री टू ऑल में पहले एग्रीमेंट कर लेता हूँ यहाँ पर, और एग्री होने के बाद मैं स्किप करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर, और ये देखिए स्किप हो चुका है, और यहाँ पे मोड करता हूँ, मोड करता हूँ, एग्री करता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये पूछ रहा है वेलकम टू योर, मेरा मॉडल नंबर यहाँ पे दे दिया है जो कि यहाँ पे LLDAL10 बता रहा है। अब वो बता रहा है कॉपी टू डाटा करना है या न्यू सेटअप करना है। अभी तो फिलहाल मैं न्यू सेटअप कर लेता हूँ क्योंकि इसमें फिलहाल कोई डाटा है नहीं है, तो मैं इसके स्किप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ पर नॉट नाउ में क्लिक करता हूँ। वो मुझे आई क्लाउड, मुझे क्लाउड में अभी कुछ सर्वर बनाना नहीं है, और इसको स्किप कर देता हूँ। फेस आईडी और पासवर्ड ये मुझे लेना नहीं है, और गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। सो देखिए ये मेरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है दोस्तों। मैं सच बताऊँ, मैंने ना बूट लोडर अनलॉक किया, और मैंने आपको करके भी दिखाया कि ये हो नहीं रहा था, टेम्प्री बूट लोडर अनलॉक किया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अनलॉक बूट लोडर में जाना था, प्रॉपर ड्राइवर डालने थे। मैं सच बताऊँ वो कर भी देते, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर ये डैड ड्रिक्स मैं नहीं लेना चाहता, ना ही मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा डैड ड्रिक्स पर काम करो, सही तरीके से काम करना है। क्योंकि एक मोबाइल नहीं बनाने हैं, हजारों मोबाइल बनाने हैं। सो ट्रिकों पर काम करना एक अच्छी बात है, पर सही तरीके से काम करोगे सो अच्छा काम होगा, और जो आप नहीं बना पाओगे हो सकता है दूसरा बना दे। तो कोई रीज़न क्यों है, क्योंकि प्रॉपर टूल्स की, प्रॉपर टूल्स नहीं हो पाते तो यही रीज़न बनता है। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ क्या वर्ज़न इसमें चल रहा था। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बात दिखाऊँ तो अभी इसमें वर्ज़न चला था 8 वर्ज़न चला था एंड्रॉयड का, और यहाँ पर ये इसका CPU जो टाइप है, यहाँ पर आपको CPU टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाई सिलिकॉन किरिंग जो 659 है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो थम्स दे दो, लाइक कर दो, दिल से लाइक कर दो, और अगर पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएगा, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है?
थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मर गए। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा है हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सर्टिफाइड सर 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्टूडेंट हो सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ कि मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकूँ। यहाँ पर आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल। हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amongst 1001 and 2008 Certified Institute.
एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन 9644139972 डाउनलोड मोबाइल फ्री रिपेयरिंग एंड्रॉइड एप्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission. 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.